खबर कानपुर से आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा अनुमोदित डीएवी कॉलेज संस्कृत विभाग द्वारा संचालित योग विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स के प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, जिसमें कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, योग शिक्षिका पूनम वाजपेयी, नोडल अधिकारी जितेंद्र मोहन, संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रमाण पत्र छात्रों को वितरण करवाया गया और सभी छात्र छात्राओं को योग शिक्षा से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई और सभी छात्र छात्राओं में हर्षोल्लास का माहौल बना रहा। माननीय जिस प्राचीन प्रांगण में आप उपस्थित हैं, ये दो पद हमने इनसे संदर्भित रखा, यह वह भूमि है जहां पर स्वतंत्रता सेनानी स्वप्न देखा करते थे इस देश को आजाद कराने के लिए। आप कल्पना करिए कि जहां आप बैठे हैं, कभी यहां आजाद चंद्रशेखर चहलकदमी करते हुए भारत को स्वतंत्र कराने का स्वप्न देख रहे हैं। यह वह पवित्र भूमि है जहां पर कुर्बान होने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। ये दीवारें ईंट और गाले की नहीं है, संपूर्ण युग को समाहित किए हुए एक संपूर्ण युग का इतिहास इन दीवारों में कैद है। ये जागृत दीवारें, अगर आप इनको ध्यान से इनके समीप खड़े होकर आप अपने आप को अनुभव करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये दीवारें यहाँ की छुपी हुई विरासत आपको ललकार कर के कह रही होगी, यहाँ आए तो कुछ करके जाओ। और संजोग से ये कोर्स आ गया और निमंत्रण पत्र जो आपको गया होगा उसमें आपने ऊपर हेडिंग देखा होगा एक स्वप्न जो साकार हुआ। एक स्वप्न इस कोर्स के माध्यम से ये देखा गया कि हम 50 प्रशिक्षु यहां से तैयार करेंगे कानपुर में, जो कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों के होंगे और अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जॉब के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इतने सहज और सरल रूप में उपलब्ध होंगे कि आपको कहीं खोजने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। और मुझे बहुत गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तो ये 6 महीने का कोर्स कर पाए, अभी तो एक सेमेस्टर इन्होंने केवल पार किया है और कई ऐसे हमारे ट्रेनर बन गए हैं जो पूरे कानपुर को जॉब के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारा कोर्स जब अप्रूवल के लिए गया था तब वह कोरोना का प्राथमिक काल था, ऐसी स्थिति जीवन बचेगा कि नहीं ये समस्या थी और वैसी समस्या में हम लोग कोर्स के लिए तैयार हो रहे थे। कोर्स का प्रपोजल भेजना है, कोर्स की स्वीकृति होनी है, कोर्स का संचालन होना है, यह स्वप्न बहुत कठिन था। जहां जीवन की दाव पर था वहां कोर्स के लिए यह स्वप्न, लेकिन आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि स्वप्न अगर परहित के लिए हो तो धर्म बन जाता है। यह स्वप्न बहुत कठिन था जहां जीवन की दाव पर था वहां कोर्स के लिए यह स्वप्न, लेकिन आपको ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि स्वप्न अगर परहित के लिए हो तो धर्म बन जाता है। दूसरे के लिए देखा गया जो स्वप्न है वह धर्म हो जाता है और धर्म कभी भी असफल हो ही नहीं सकता, इसलिए यह स्वप्न पूरा होगा। और हम लोग आगे बढ़े, कोर्स प्रारंभ हुआ, कोर्स चला, कोरोना का दूसरा आक्रमण हो गया और दूसरा आक्रमण इतना भयानक था कि पहले आक्रमण से भी ज्यादा भयानक था। वैसी स्थिति में कोर्स को ऑफलाइन यहां बंद करना पड़ा, बच्चे घर चले गए और कुछ ही दिनों के बाद बच्चों से लगातार संवाद चलता रहता था। थोड़ी कोरोना के प्रकोप में कमी आई, बच्चों ने कहा हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें। महाविद्यालय में आना बंद है, क्या करें। हमारे प्रशिक्षक ने कहा था ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें, हमने कहा बिल्कुल शुरू करिए। ये दृष्टता थी प्रचार की, आप सहमति नहीं लिया, लेकिन हमने उन्हें कहा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। ऑनलाइन क्लासेस चला,
तीन महीने तक ऑनलाइन क्लासेस चलता था और छह महीने में कोर्स हमारा पूरा हो गया। हमने भी 50 से कहा था छह महीने कोर्स पूरा हो गया, अब इसके असेसमेंट के लिए प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा प्रयास करो, वहां प्रयास किया, लगभग दो महीने तक संघर्ष करते रहे, मेल पर मेल करते 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 फिर उन्होंने परीक्षा की डेट दी, 14 सितंबर को परीक्षा की डेट दी। उन्होंने 14 सितंबर को प्रातः उन्होंने कहा था कि शाम को मैं आपको लिंक दे दूंगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। 14 सितंबर को प्रातः उन्होंने कहा परीक्षा स्थगित कर दी। सारी सूचनाएं चली गई थी, बच्चे सब आने लगे थे, अपने घरों से निकल गए थे, तो उन्होंने कहा परीक्षा स्थगित कर दीजिए, कि परीक्षक का एक्सीडेंट हो गया है और वो अच्छी स्थिति में नहीं है। हमने कहा मैडम हमारे बच्चे अपने अपने घरों से निकल गए, अब ये परीक्षा में किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं कर सकते। TV1 इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि मंदिर में साफ सफाई की, वहीं जनपद कानपुर के कई जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाई झाड़ू। प्रदेश महासचिव अंकित धनविक ने अस्पताल में लगाई झाड़ू, मंदिर परिसर में लगाया अंकित धनविक ने झाड़ू। अंकित धनविक गांधी ने कहा जातिवादी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी दलित विरोधी है, साफ सफाई झाड़ू पोछा करना छोटा काम नहीं है, करोड़ों महिलाओं दलित समाज का योगी ने किया है अपमान। TV1 इंडिया न्यूज के लिए कानपुर मोहम्मद अफाक की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां पे मां बराही देवी मंदिर में चैन स्नेचिंग करती हुई महिला गिरफ्तार हुई है। 1 अदद सोने की चैन बरामद की गई। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शातिर चोरों स्नेचिंग करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनकी गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जनपद के समस्त प्रभारी एवं थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने चैन स्नेचिंग करने वाली शातिर आरोपी अभियुक्ता श्याम प्यारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्नैचिंग की गई 1 अदद सोने की चैन बरामद की है। उक्त अभियुक्ता ने थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के अंतर्गत मां बराही देवी में दर्शन करने आए वादी संत कुमार सोनी की पत्नी के गले से चैन स्नैचिंग कर ली थी। जानकारी होने पर वादी ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिस पर थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्ता को मां बराही देवी मंदिर से के परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तहरीर पर थाना उमरी बेगमगंज में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आरोपी अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय उच्च न्यायालय रवाना कर दिया गया। गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र अंतर्गत मां बराही माता के मंदिर पर नवरात्रों में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है। उसी भीड़ में आज दिनांक 8/10/2021 को एक महिला की चैन एक अपराधी महिला द्वारा चोरी कर ली। मौजूदा पुलिस की सतर्क दृष्टि के चलते हुए महिला को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा उससे चैन भी बरामद कर ली गई। वादी की लिखित सूचना के आधार पर थाना उमरी बेगमगंज में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। निकट भविष्य में भी मेले के दौरान पुलिस की सतर्क दृष्टि है, अगर इस तरह के अवांछनीय तत्व कोई अपराध वहां करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से प्रदीप तिवारी की रिपोर्ट। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार, और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।